एकदम करेक्ट लग रहा है शादी वाला घर। और अब चल रही है पैकिंग फुल जोर शोर में, क्योंकि कल धर्म दादा टेम्पो में निकलने वाले हैं सारा सामान लेके। दादा चार नंबर तो है पर प्लीज डोंट मिस द नंबरिंग ऑन द बॉक्सेस। कोई रिएक्शन? इस कमरे में भी हाथी भी घूम जाएगा ना, वो भी नहीं मिलेगा। हो गए हैं हम लोग रेडी निकलने के लिए, और ये आएंगे 3 दिन बाद। मैं जा रहा हूँ शूट पे, जा रही है एयरपोर्ट। और अभी लग रहा है कि 3 दिन में कुछ क्या होगा नहीं होगा, पर ऑलमोस्ट सब हो गया है। हाँ, ऑलमोस्ट सब हो गया। और इतना सोच सोच के हर चीज़ की लिस्ट बना के पैकिंग किए ना, कि अभी मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गई हूँ, कि मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं। जल्दी आना। चलिए हम चलते हैं। पापा जा रहे हैं पहली बार फ्लाइट में, वो अलग टेंशन है कि वो सही से कंफर्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, बट तुम वो तो घबराए हुए हैं। विल बी गुड। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट, और यहाँ पे हमने चेक इन किया। एंड बाय द वे, मैं आप लोगों को सबसे पहली अच्छी बात ये बताऊं कि पापा के लिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली थी ऑफ व्हीलचेयर, लेकिन पापा इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे व्हीलचेयर नहीं चाहिए, मैं आराम से वॉक करके जाऊँगा। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। सब हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है, पापा सब ठीक। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। मम्मा सब ठीक? फिर था थोड़ा सा टाइम, तो हम आए यहाँ पे बिजनेस लाउंज में आराम से। पापा ने अपना ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हम सब यहाँ पे रुके थे क्योंकि थोड़ा सा टाइम था फ्लाइट में। सो घर से सब जल्दी निकले थे, इसलिए हमने यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया। आराम से खाओ, टाइम है अपने पास, आधा घंटा आराम से है, आधे घंटे से ज़्यादा ही है। सब खा के देखूँगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हो गया है मत सबका नाश्ता, अभी हम लोग बैठे हैं लाउंज में, 10 मिनट के बाद हम लोग जाएंगे। और मुझे इस बात का बहुत सुकून है, मैंने शोर को भी मैसेज कर दिया, मैंने सभा को भी बता दिया कि पापा बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं। पापा की पहली फ़्लाइट है, देव भैया की भी पहली फ़्लाइट है, एंड पापा बहुत सुकून में है, बहुत काम लग रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट में जाके फिर बाद में पता चलेगा। ये बैठी हैं मम्मी मेरे साथ, और हम सब लोग अच्छे से सेटल हो गए फ्लाइट में। सामने बैठे हैं अंकित और प्रतीक भाई, और यहाँ पे देव भैया बहुत एक्साइटेड वे में वीडियो निकालते हुए, और पापा भी एकदम कंफर्टेबल होके बैठे, और ये रही मैं। लेट्स गो। और ये बहुत ही क्यूटली देव भैया और पापा डिसाइड करते हुए कि वो लोग क्या खाएंगे मेन्यू कार्ड से देख के।
सैंडविच ना, चिकन सैंडविच। ओके रेडी। मुझे जेन्युइनली पापा और देव भैया को देख के ऐसा लग रहा था कि दो बहुत ही एक्साइटेड से क्यूट बच्चे मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और जैसा कि शोएब हमेशा बोलते हैं कि बात भी सही है, पेरेंट्स जब बड़े होते हैं तो बच्चे लग ही जाते हैं। ये देखोगे इनका हैंडशेक कि इन दोनों ने अपनी पहली फ्लाइट ली और यहाँ मम्मी भी सुकून से टेक ऑफ इन्जॉय करते हुए। ये आफ्टर टेक ऑफ पापा सुकून से आराम से अपना मील खाते हुए, पापा ने अपना मील बहुत इन्जॉय किया और वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं वैसे थोड़ी देर सो गई थी, फिर मुझे आके क्रू ने उठाया तो मैंने पी एक चाय और ये कुकीज़, इसे इन्जॉय किया। पापा पहुँच गए, सही रहा सफर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंफर्टेबल रहे पापा, बहुत हैप्पी रहे। और उन्होंने उतरते ही शोएब को वीडियो कॉल करके बोल दिया कि अब जहाँ भी जाना है मैं दीपिका के साथ बाय एयर जाया करूँगा। फिर हम आ गए अपने होटल, हमने चेक इन किया और अपने रूम में आराम किया। हो गई है अगले दिन की मॉर्निंग, हम लोग पहुँचे, हम लोग होटल आए और पापा को उनके रूम में सेटल किया। मैं आई, थोड़ी देर सो गई, मुझे कुछ होश नहीं था। और फिर उठने के बाद ज्वलिन और ज्वलिन अरीज नेहा पूरी टीम जो है वो आई यहाँ पे, हमें कुछ जो लास्ट मिनट डिस्कशंस थे वो करने थे। उसके बाद रात भर बैठ के मुझे कुछ ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स थी लास्ट मिनट की, कुछ कन्फ्यूजन्स थे वो सब ठीक करनी थी, मैंने वो किया। और अब नेक्स्ट डे हो गया है, हम लोग फाइनली उठ गए हैं, पापा रेडी हैं, मैं रेडी हूँ, मम्मी रेडी है, अंकित रेडी है यहाँ पे। सो अब हम चलते हैं मौदाहा एंड द रियल फन एंड द रियल मैडनेस बिगिंस। अम्मी और ऐसा वहाँ पहुँच गए हैं, मुझे ऑलरेडी ऐसे थोड़ा सा वो बटरफ्लाइज होती है ना, वो फील हो रहा है। सो बस अभी निकलेंगे, चले चले पापा। हाँ, और ये था हमारा बहुत ही अच्छा सा स्वीट में डिटेल टूर, नहीं ले पाई क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। हमारा स्टे हो गया कम्प्लीट। इस बार हम रुके थे गोल्डन ट्यूलिप होटल में, बहुत 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 कंफर्टेबल स्टे था। और मैं रुकी थी स्वीट में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा, और सर्विस बहुत अच्छी थी। सो आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पीली सरप्राइज। मैंने सुना था कि ये होटल बहुत अच्छा है, कि जब मैं बुकिंग करी थी तो मैंने तीन चार जगह चेक किया था, तो जिनसे मैंने बुकिंग करवाई उन्होंने मुझे बोला नहीं मैम ये होटल बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा था, स्टे भी बहुत अच्छा था। सो थैंक यू। नहीं ये है गोल्डन ट्यूलिप, गोल्डन, हाँ गोल्डन ट्यूलिप लिखा हुआ है। अच्छा मजा आया? हाँ ठीक है। आप पहली बार ऐसे आए ना? कार्स तैयार हैं, लगेज लोड हो गया है, बस अब हम आराम से कंफर्टेबली बैठते हैं और चलते हैं मौदाहा। चलिए चलते हैं मौदाहा हमारी सबा की शादी के लिए। इस बार शादी के लिए जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट वगैरह सब डबल है, बस थोड़ा सा सूनापन है क्योंकि शोएब नहीं है। शोएब आप जल्दी से आ जाना, मिस यू बहुत ज़्यादा। हर बार की तरह इस बार भी हमारा रिचुअल रास्ते का, हम लोग रुक गए हैं राजपूत ढाबा, हमारा फेवरेट, और बस अभी सबने ऑर्डर कर दिया, हम लोगों ने पराठे, लेकिन आज बड़ा सूना सूना लग रहा है क्योंकि आज बहुत कम तो गए हैं तो बहुत खाली खाली लग रहा है। पापा सब ठीक? और ये देव भैया, ये मम्मा सोते ही आए हैं। हाँ सब जो अभी खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आएगा और वो भैया आएंगे तो मैं दिखा दूंगी। हमें देखते ही वो यहाँ वाले भैया ने हमसे बिना पूछे एक प्लेट पनीर के पकौड़े तो ला ही दिए क्योंकि हमें वो बहुत ज्यादा पसंद है। ये आ गए फिर से भैया हमें खिलाने। सब ठीक? ये अंदर ही बैठ। मिलते हैं। ये हैं आज हमारे साथ ड्राइवर भैया, गुड्डू भैया, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो आप, एकदम अच्छे से संभल संभल के। चलिए हम निकल गए हैं
अच्छे से खाना वाना सब हो गया है और अभी पापा थोड़ा सा आराम करेंगे पीछे। काफी गर्मी है ना पापा? हम तो सोच के आए थे ठंड होगी पर यहाँ तो गर्मी है, बहुत गर्मी है। सुबह शाम को यही ठंड है, आपको बता रहे थे। हाँ कुछ शाम की लखनऊ में लगी, लखनऊ में तो बिल्कुल भी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी भाई। पहुँच गए पापा। हाँ कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। इसलिए आज आप सोए नहीं ना, आप देख रहे हो तब से। हाँ, सब देख रहे हैं। बढ़िया, सब बढ़िया है। हाँ खुला से और रौनक आ गई, बहू आ गई, समदन आ गई, सब आ गए। बस अब आधी रौनक बाकी है, वो भी आ जाएंगे जल्दी। फिर हमने किया थोड़ी देर आराम और फिर हम आ गए सीधे अम्मा को मिलने के लिए, क्योंकि उनसे मिले बिना जो है दिन इनकम्प्लीट रहता है। इसीलिए अम्मा अम्मा आप कैसे हो? अम्मा कल मैं आ नहीं पाया। मारो उसको, खून लगा लेते। कैसे हो? आओ बैठो, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, पहले आप, पहले आप। एकदम अच्छा वाला करवाएंगे। मुंबई में बोली हो, फेशियल करवाएंगी, नेल पॉलिश लगवाएंगी, लिपस्टिक लगवाएंगी। वहाँ जा तुम, कल अम्मा का करा देंगे। वहाँ जा तुम, गाँव है। क्यों? तुम आई थी, सनी के साइड से जा रही है, हमारे साइड से नहीं आ रही। ओ क्यों? गलत बात है। हमको भी तो चाहिए ना अम्मा। मैं जा रही हूँ वापस, आ रही हूँ वापस, आप हमारे साइड नहीं आ रहे तो। अच्छे से हो? फिर थोड़ी देर वहाँ रुके, थोड़ी गप्पे बातचीत हुई, मस्ती मजाक हुआ, लेकिन हर किसी के जबान पे बस एक ही बात है कि शानू कब आएगा। शानू के बिना सब कुछ अधूरा है, और स्पेशली ये जगह जिसे हम चबूतरा कहते हैं, यहाँ पे हम सब बैठते हैं। शोएब की ये फेवरेट जगह है, तो सब लोग मेनली यही डिस्कस कर रहे थे कि बस अब इंतज़ार है कि शानू कब आएगा। और मैं भी यही कह रही हूँ कि शोएब आप कब आओगे, बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। बेटा कब आइए?
आए हाँ ठीक है हाँ आ जा बेटा तो कही उतरा था वही तो है सब जने हमें कहीं नहीं आवा था हूँ पर तो भाई हाँ ठीक है देख देख ये देखो आई ना चार साल के बाद चला आज अम्मा पार्टी बदल रही है मैं जा रही हूँ वापस क्या हो गया बहुत भूख लगी है बहुत बहुत भूख लगी है मौदा की हवा में कुछ ऐसा है कि यहाँ के भूख बहुत ज्यादा लगती है देखो देव भाई अभी हंस रहे हैं आपको भी लगी है मतलब अच्छा और अभी सिर्फ 9 बजे हैं तो और मुझे बहुत नींद भी आ रही है तो आज खा के ऐसा मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊंगी लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा तो फिलहाल खाते हैं ये अभिषेक और अंकित कल आ गए थे तो उनकी रेकमेंडेशन पे ये जगह है तो देखते हैं इसका खाना क्या है इसका चल के जाओ सवर करो आवाज दे हेलो इतने शिशु को तो जब तक खाते ना तो ये होगा अच्छी नींद हुई यार चिकन गुलाब जामुन खाओ तू क्या ले रहा है तीनों ले ले मैं बात करता हूँ पहले तूने पूरा एक बार फेंका बहुत यम्मी गुलाब जामुन था। इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर तक गप्पे मारी मस्ती की फिर हम सो गए और यहाँ पे आज का दिन हुआ ख़त्म। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।